हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अभी हमारा जो रनिंग चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इस चैप्टर के हम लोगों ने 90% पार्ट को कवर कर लिया है। अब रिमेनिंग 10% जो पार्ट है, ये पार्ट में इंटरेस्ट तो थोड़े कम आएंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अगर आप नोटिस करेंगे तो सबसे ज़्यादा इनसे पूछा गया है। ठीक है, तो वो सब टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो इम्यूनिटी का टॉपिक है, वो इम्यूनिटी का टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट होने को है। उस इम्यूनिटी के टॉपिक में दो छोटे छोटे टॉपिक जो हैं हमें थोड़ा सा फोकस करना है। एक है हमारा साइटोकाइन और दूसरा है हमारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम लोग देखेंगे साइटोकाइन के बारे में। देखिए, साइटोकाइन की जब हम लोग बात करते हैं तो साइटोकाइन हम लोगों को पहले भी आ चुका है, जिसे हम लोग साइटोकाइन बैरियर के रूप में, यानी कि जो इनेट इम्यूनिटी है वहां पर ये आया था, जैसे इंटरफेरॉन। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो साइटोकाइन क्या है? तो साइटोकाइन जो है यह ग्रुप ऑफ केमिकल ग्रुप ऑफ केमिकल मैसेंजर ऑफ लो मॉलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीनियस सब्सटेंस secreted by WBC and other cell। तो इसको कौन सीक्रेट करता है? इसको WBC सीक्रेट करता है और अदर सेल करता है। एक्चुअल में साइटोकाइन क्या है? इट इज ए केमिकल मैसेंजर ऑफ इम्यून सिस्टम लाइक हार्मोन। तो जैसे हार्मोन हमारा एक केमिकल मैसेंजर होता है, उसी तरह यह एक केमिकल मैसेंजर है, लाइक हार्मोन। इट इज ए केमिकल मैसेंजर ऑफ इम्यून सिस्टम लाइक हार्मोन। ये सीक्रेट क्यों होता है? तो यह सीक्रेट होता है ड्यू टू इंडिविजुअल स्टिमुलेशन के लिए, यानी जब इसे कोई मैसेज मिलता है स्टिमुलेशन करने के लिए, तो ये उस स्टिमुलेशन को बढ़ाने के लिए इसका सीक्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, ये बहुत सारे तरह का होता है, बहुत डिटेल हम लोग को नहीं जाना है। इट इज वेरियस टाइप। ठीक है, तो वेरियस टाइप का मतलब इसमें बहुत सारे तरह के हैं, जैसे ऑटोक्राइन होता है, पाराक्राइन होता है, फिर लिम्फोक्राइन होता है, ल्यूकोक्राइन होता है। तो ये अलग अलग नाम क्यों पड़ा और किसका किस बेसिस पे क्या काम है, उसके बेसिस पे हम लोग इसको अलग अलग टाइप के रूप में हम लोग देखेंगे। तो पहले तो आप यही समझ लीजिए यह एक केमिकल मैसेंजर है। हार्मोन आप लोगों को हम पूरा डिटेल पढ़ा चुके हैं कि हार्मोन क्या है, तो यह उसी तरह से हार्मोन की जैसा काम करने वाला है। बस हार्मोन में डिफरेंस क्या और इसमें डिफरेंस क्या है कि हार्मोन जो है वह किसी एक सेल से सीक्रेट होके और दूर तक जाके वर्क करता है, लेकिन ये वर्क जो है वो लोकल एरिया में करता है, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएगा। ठीक है, और ये सीक्रेट क्यों होता है, यहीं पर हम कर देते हैं। इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। सबसे पहले देखिए,
हाँ इट इज वेरियस टाइप। वेरियस टाइप में सबसे पहले ऑटो क्राइन हम लोग देखेंगे, तो ऑटो क्राइन, पारा क्राइन, ये सारा चीज जो है आएगा। ऑटो क्राइन, ऑटो क्राइन का मतलब कि जिस पार्टिकुलर सेल से सिक्रेशन होगा और उसी पार्टिकुलर सेल के रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, दैट इज कॉल्ड ऑटो क्राइन। यानी यह एक सेल है और इस सेल से, यह मान लो कि कोई एक WBC का सेल है और इस सेल से यहां से यह जो है वह साइटोकाइन सिक्रीट हुआ और इस साइटोकाइन को बाइंड करने के लिए यहां पर यह रिसेप्टर है, यहां से सिक्रीट होके और यहां आके बाइंड करेगा, तो दैट इज कॉल्ड ऑटो मतलब सेल, ठीक है, और क्राइन मतलब साइटोकाइन का बात हो रहा है। तो इस तरह से सेक्रेशन टू बाइंड विथ रिसेप्टर ऑन सेम सेल, जहां से सिक्रीट होगा वहीं पे बाइंड करेगा। उसके बाद में देखिए पाराक्राइन, सिक्रीटेड फ्रॉम ए सेल टू बाइंड विथ विथ ए टारगेट सेल, टू बाइंड विथ टारगेट सेल, ओके। लिम्फोक्राइन, लिम्फोक्राइन का मतलब हुआ सिक्रेटेड बाय सम लिम्फोसाइट, नंबरी ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, थर्ड हो गया, उसके बाद में फोर्थ। तो ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, लिम्फोक्राइन और इसके बाद में है मोनोक्राइन या फिर लिम्फोक्राइन, पैराक्राइन हो गया, इंटर ल्यूकोसाइट से ये आ गया मोनोक्राइन। मोनोकाइन सिक्रेटेड बाय मोनोसाइट्स और मोनोसाइट्स और मैक्रोफाज, मोनोसाइट्स और मैक्रोफाज। उसके बाद में इंटर इंटरव्यू इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन, हाँ ये हो गया इंटरल्यूकिन सिक्रेटेड बाय सम ल्यूकोसाइट्स। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा, कौन सा ये साइटोकाइन, और इसी में आता है इंटरफेरॉन, जो कि एक और लिख दीजिए सिक्रेटेड बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल।
अब आइए हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट। जैसे साइटोकाइन देखे थे कि वह प्रोटीनियस सब्सटेंस है, उसी तरह कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट जो है टोटल 30 टाइप्स के अलग अलग वेरियस प्रोटीन का जो ग्रुप है उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे ब्लड के सेरम में या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है, और यह जो माइक्रोब्स हैं उस माइक्रोब के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पोर का फॉर्मेशन कराने का काम करता है। तो साइटोलाइसिस करके हम टॉपिक पहले ही बता चुके हैं, तो ये पोर का फॉर्मेशन करा के साइटोलाइसिस कराएगा, या जब माइक्रोब के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर पोर का फॉर्मेशन हो गया तो उसके अंदर वाटर इंटर करेंगे और वह सेल ब्रस्ट भी कर सकता है, क्योंकि उस माइक्रोब में अगर सेल वॉल नहीं है तब वो सेल ब्रस्ट भी कर जाएगा। तो इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट जो है वो वेरियस टाइप के कॉम्प्लीमेंट टोटल जो है वो 30 के ग्रुप में है, यानी 30 टाइप्स के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोर क्रिएट कराने का काम करते हैं। तो इट इज ए ग्रुप ऑफ ओवर 30 प्रोटीन, इट इज ए ग्रुप ऑफ 30 प्रोटीन इन विच मेनी आर प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम। इट इज फाउंड इन ब्लड सेरम। आप जानते होंगे ब्लड और सेरम के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जब ब्लड में, यानी जो हमारा ये बॉडी का जो ये ब्लड का जो फ्लूइड है पूरा कंप्लीट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, तो उसमें से सारे सेलुलर कंपोनेंट और कोएगुलेटिंग फैक्टर को हटा देते हैं, तो उसके बाद बचा हुआ जो फ्लूइड पार्ट है दैट इज कॉल्ड सेरम। तो ये हमारे बॉडी के ब्लड सेरम में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो सकता है। इट इज फाउंड इन ब्लड सेरम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज फाउंड इन ब्लड सेरम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसका काम क्या है, इट फॉर्म्स ए कोर ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, तो जिसके वजह से क्या होगा, किसी भी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अगर पोर का फॉर्मेशन हो गया, ये हो गया एक सेल और ये आ गया कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट आके एक्शन किया तो क्या हो गया, पोर का फॉर्मेशन करा दिया। और ये क्या है, ये तो माइक्रोब का सेल है, हो गया। तो अब ये फाइनली क्या हो जाएगा, डेड कर जाएगा। तो इस तरह से ये पोर का फॉर्मेशन करा करके इस माइक्रोब को, यानी साइटोलाइसिस का प्रोसेस भी करा सकता है। ये सब चीज आपको पहले आ चुका है, वहां पे भी एक चीज बताए थे। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ कॉम्प्लीमेंट। अब आइए इस चैप्टर का, यानी इम्यूनिटी का सारा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर का जो लास्ट एक पोर्शन है जिससे क्वेश्चन बहुत आया है, बट आपको लगेगा कि इसमें क्या है, बट इसमें ही बहुत कुछ होगा। तो
अब हमारा टॉपिक है एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब जब हम किसी चीज के लिए एडिक्टेड होते हैं, यानी पर डे हमें यह चीज चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए, तो उस चीज का हम एडिक्टेड हो जाते हैं। मतलब हमें उस चीज के लिए हमारे अंदर एडिक्शन है। तो जैसे किसी को टोबैको का एडिक्शन है, किसी को वाइन का एडिक्शन है, हम लोग कहते हैं ना, तो किसी को काम करने का एडिक्शन है। तो एडिक्शन का मतलब कि वह उसके लिए वो हैबिचुअल हो गया, बिना उसके उसका काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए इसका डेफिनेशन क्या देते हैं, हैबिचुअल ऑफ फिजिकल habitual of physical, physiological and habitual of physical, physiological and behavioral, यानी इसके बिना कोई काम नहीं चल सकता है, that is called addiction। तो addiction के साथ साथ जो person किसी चीज के लिए addicted होते हैं तो उसको addicted बोलते हैं या addict बोलते हैं, तो that person is called addict। तो उस पर्सन के लिए हम लोग टर्म यूज कर लेते हैं एडिक्ट। तो ये हो गया फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन सब्सटेंस, फिजिकल हैबिचुअल ऑफ फिजिकल फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड एडिक्शन एंड पर्सन इज कॉल्ड एडिक्ट, दैट पर्सन इज कॉल्ड एडिक्ट। अब इसी में बारी बारी हम लोगों को देखना है टोबैको एडिक्शन, या टोबैको अब्यूज, टोबैको का एडिक्शन। ये जितना भी चीज हम लोग पान मसाला जो यूज करते हैं, फिर पान में जो कुछ सुपारी वगैरह यूज करते हैं खाने के लिए, च्यूइंग सब्सटेंस जो उस पान में है, बहुत सारे रजनीगंधा पान पराग ये सब करके जो है पान मसाला भी आता है, या फिर सिगरेट हम लोग यूज करते हैं, या स्नफिंग करते हैं, किसी चीज को पाउडर फॉर्म में लेके सूंघने का काम करते हैं, तो ये सब जो है वह एक टोबैको के ही क्लास है। तो इसे हम लोग मोड ऑफ यूज या कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसको हम लोग च्यूइंग भी कर सकते हैं, इसका हम लोग स्मोकिंग भी कर सकते हैं, या फिर इसका हम लोग स्नफिंग भी कर सकते हैं, सूंघने को इस तरह के प्रोसेस को हम लोग स्नफिंग कहते हैं। तो इस तरह से टोबैको में जो है वह यह सोलानेसी फैमिली के दो प्लांट सबसे ज्यादा जो है वो कॉमनली यूज होते हैं, एक का नाम है निकोटियाना टोबैकम। तो सबसे ज्यादा जो है वह निकोटियाना टोबैकम का ही यूज जो है वह इसके लिए किया जाता है। देखिए ये जो सोर्स है टोबैको का, नॉर्थ इंडिया में एक हुक्का यूज होता है खास करके हरियाणा पंजाब वगैरह में, और आज के टाइम पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में एक हुक्का पार्टी चलती है, या फिर अबाउट 1400 to 1200 में एक घंटे के लिए वो प्रोवाइड होता है। जबकि हरियाणा वगैरह पहले वो गांव-गांव में लोग इसी तरह आजकल शौक से लोग उसको हुक्का पार्टी है हुक्का इस सबसे करने लगे हैं। बहुत सारे जब मैं बैंगलोर में था तो वहां पर मैंने बैंगलोर मैसूर हाईवे पे एक बहुत बड़ा जो है वह रिसोर्ट टाइप का था, वहां पे हमारे कुछ कलीग लोग गए थे तो वो बता रहे थे
हमारे पर फोकस करके मत सोचिए कि मैं बता रहा हूँ तो मैं भी गया था, ऑनेस्टली मैं नहीं गया था, बट मैं बता रहा हूँ कि वो वहां पे गए थे। तो वो हुक्का पार्टी उस समय 1400 के लिए, 1400 में एक या दो घंटे के लिए प्रोवाइड हुआ था हुक्का। तो सोचिए कितना कॉस्टली हो गया, जबकि पहले ये सब कुछ भी नहीं था। हम पहले की क्लास में बता चुके थे कि स्मोकिंग वगैरह को कुछ लोग सोसाइटी से मॉल मान लेते हैं, जो कि मिसकंसेप्ट है। तो आज इसी सब टॉपिक के बारे में हम लोग जो है इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर क्या होता है ये सब। तो देखिए इसमें सोर्स यानी टोबैको का निकोटियाना टोबैकम और निकोटियाना रोबस्टिका दोनों जो है बोथ आर सोलानेसी, दोनों सोलानेसी फैमिली के हैं। अब इसका यूज कैसे हम लोग करते हैं, तो यूज जो है चिमिंग, यानी कि जैसे हम लोग पान मसाला में यूज करते हैं, स्मोकिंग में सिगरेट, बीड़ी, हुक्का इत्यादि, और स्नफिंग यानी कि जो कुछ पाउडर फॉर्म में इसको हम लोग इसमें से लेने का काम करते हैं। तो मोड ऑफ यूज में इस तरह से हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। अब इससे होने वाले कौन कौन से प्रॉब्लम क्या क्या हमें देखने को मिलता है, तो डिजीज कॉज बाय स्मोकिंग, डिजीज कॉज बाय स्मोकिंग। तो सबसे पहले आप जानते हैं इससे हमें क्या क्या हो सकता है, तो पल्मोनरी डिजीज होता है, कैंसर तो एक जानते ही हैं, पल्मोनरी डिसऑर्डर, कफ एंड ट्यूबरक्लोसिस, इम्फिसेमा। इम्फिसेमा में जो एल्वियोलाई है हमारे लंग्स का वो डैमेज होने लगता है, तो उसको हम लोग इम्फिसेमा कहते हैं। कैंसर हो गया, पल्मोनरी हो गया, कफ ब्रोंकाइटिस है कफ, ये ट्यूबरक्लोसिस हो गया, इम्फिसेमा हो गया, और हाँ ठीक है। अब उसके बाद में देखो सेंट्रल सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो वो राजामुंद्री में है, राजामुंद्री अरुणाचल आंध्र प्रदेश का है। शहर का नाम है राजमुंद्री, ये एपी में आता है, और 31 मई को वर्ल्ड टोबैको डे है, वर्ल्ड टोबैको डे कब, 31 मई को ये हो गया। तो इस तरह से टोबैको में हमें इतना देखना है। अब आइए जैसे हम लोग एडिक्शन ऑफ टोबैको देखे हैं उसी तरह अल्कोहल का एडिक्शन देखेंगे, हो गया होगा उम्मीद है आपका।
अल्कोहल एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन या अल्कोहल अब्यूज। कहना कि इस टॉपिक में आपको लग रहा है कुछ भी नहीं है, बट अभी आगे आएगा, इससे बहुत कुछ आने वाला है। तो इससे क्वेश्चन को जब उठा के देखेंगे आप, प्रीवियस क्वेश्चन को खोल के देखिएगा, तो ये लास्ट के टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वो आपको गाइड करेगा कि हाँ ये टॉपिक ठीक है। तो आइए देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं अल्कोहल बनता कैसे है। तो अल्कोहल के दो फॉर्म हमें सबसे ज्यादा देखने को, यानी कि इथेनॉल या उसी को कहते हैं हम लोग इथाइल अल्कोहल, मोस्ट वाइडली यूज अल्कोहल इज इथेनॉल या इसी को इथाइल अल्कोहल कहते हैं, यानी C2H5OH इसका फॉर्मूला है ठीक। अल्कोहल जो है वो सबसे ज्यादा यानी बनता कैसे है, तो यानी इसको हम लोग C6H12O6 शुगर को लिया और इस शुगर का हम लोग फर्मेंटेशन कराते हैं, यहां पर ये आ गया डाइमेजिंग एस्ट, तो ये क्या देता है 2C2H5OH बन गया इथाइल अल्कोहल। तो अल्कोहल जो है वो सबसे ज्यादा जो है वह शुगर से लिया जाता है, और शुगर का जो सोर्स होता है वह सीरियल या ग्रेन्स होता है। अल्कोहल के यानी कमर्शियल लेवल पे जो अल्कोहल यानी फर्मेंटेशन जो हम लोग कराते हैं वह सबसे ज्यादा मोलासेस से कराते हैं। मोलासेस कहाँ से आता है, तो जो शुगर इंडस्ट्री है उसके जो वेस्ट पार्ट है उससे मोलासेस तैयार किए जाते हैं, तो उससे जो है वो सबसे ज्यादा जो है इसे चीज तैयार होता है। तो देखिए अल्कोहल आर जनरली फॉर्म्ड बाय फर्मेंटेशन विथ ईस्ट सेरिवेसी, सेरिवेसी तो इससे सबसे ज्यादा तैयार करते हैं हम लोग फॉर्म बाय फर्मेंटेशन विथ ईस्ट शुगर इज मेन सोर्स फॉर शुगर इज मेन सोर्स फॉर फर्मेंटेशन शुगर इज मेन सोर्स फॉर फर्मेंटेशन एंड जनरली सीरियल ग्रेन्स आर यूज फॉर शुगर लाइक बार्ली। कमर्शियल स्केल मोलासेस आर यूज्ड, मोलासेस आर यूज्ड, मोलासेस
ऑप्टेन फ्रॉम शुगर इंडस्ट्रीज। मोलासेस को कहां से लेते हैं हम लोग? तो मोलासेस को शुगर इंडस्ट्री से लेते हैं। मोलासेस आर ऑप्टेन फ्रॉम शुगर इंडस्ट्री। उसके बाद में जो पर्सन अल्कोहल के लिए एडिक्टेड होता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं अल्कोहलिक, और इस तरह के एडिक्शन को अल्कोहलिज्म कहते हैं। द एडिक्शन ऑफ अल्कोहल इज कॉल्ड अल्कोहलिज्म। द एडिक्शन ऑफ अल्कोहल इज कॉल्ड अल्कोहलिज्म एंड दैट पर्सन इज अल्कोहलिक। दैट पर्सन इज अल्कोहलिक। तो उस पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस पर्सन को हम लोग अल्कोहलिक कहते हैं, ठीक है। अब यहां से ऐसे ये रिएक्शन आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज ना होना, यहाँ पे टू CO2 भी रिलीज होता है, तब जाके रिएक्शन बैलेंस होगा, ठीक है ना। ये सब आपको आगे क्लास 11th में हो चुका होगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग इसके लिए पहले से अवेयर नहीं है, तो आप लोग इसके बारे में पहले से जानते हैं। अब देखो, एक्सेसिव अल्कोहल का या अल्कोहल एब्यूज का मतलब क्या होता है एक्चुअली? तो जब हम लोग अल्कोहल का एक्सेसिव ड्रिंकिंग करते हैं, जिससे हमारा फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग अल्कोहल एब्यूज करते हैं। एक्सेसिव एक्सेसिव ड्रिंकिंग एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल इंपेयर फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैलेंस कॉल्ड अल्कोहल अब्यूज। तो जब हम ज्यादा अल्कोहल ले लिए, तो उसके वजह से हमारा जो फिजिकल बैलेंस है और हमारा फिजियोलॉजिकल बैलेंस है वो इम्पेयर हो जाता है, यानी एक दूसरे को कोऑर्डिनेट सही से नहीं कर पाते हैं, तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं अल्कोहल अब्यूज, ठीक है। तो अब देखो कि अल्कोहल डाइजेशन का टॉपिक अगर थोड़ा सा आपको याद होगा, तो अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहां से स्टार्ट होता है, सबसे ज्यादा आपको बताए थे हम, तो अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे स्टमक से ही स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो अगर देखें तो म्यूकस ऑफ एसोफेगस से ही चालू हो जाता है, तो एसोफेगस एसोफेगस के बाद आप जानते हैं स्टमक, स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, तब लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो मेजर पार्ट है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, मॉडरेट पार्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, और कुछ पार्ट जो है वो स्टमक में भी होता है। तो एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें, एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट फ्रॉम एसोफेगस स्टार्ट फ्रॉम एसोफेगस एसोफेगस स्टमक टू स्टमक
टू स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भी इसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा, लार्ज इंटेस्टाइन में मॉडरेट फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब आइए प्रॉब्लम बाय अल्कोहल। प्रॉब्लम बाय अल्कोहल, तो अल्कोहल से कौन कौन से प्रॉब्लम हो रहे हैं। प्रॉब्लम बाय अल्कोहल, देखो सबसे पहले तो अल्कोहल से सोशल प्रॉब्लम होता है। सोशल प्रॉब्लम आप जानते हो, जब जो ज्यादा ड्रिंकर होता है तो लोग सोसाइटी में उसका रिस्पेक्ट कम होता है। बहुत सारे लोग डिस्टेंस मेंटेन करते हैं अल्कोहलिक पर्सन से। उसके साथ साथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता है, फिर उनका आपस में सेक्सुअल रिलेशन बर्बाद हो जाता है। अपने पार्टनर के साथ में तो उनका जो सेक्सुअल रिलेशन होता है वो बर्बाद होता है। उसके साथ साथ जब इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगी तो घर का सारा स्ट्रक्चर खराब होगा, जिसके वजह से सोसाइटी में एक जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो ये सोशल प्रॉब्लम देता है। सोशल इशू तो है ही, बहुत ज्यादा सोशल इशू है अल्कोहलिक। अगर कोई डॉक्टर पी करके ये करे, ट्रीटमेंट करे, तो आप उसके पास जाओगे नहीं जाओगे। अगर कोई टीचर ही आपको ड्रिंक करके अगर पढ़ाए तो आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे। तो सोशल इशू तो इसके साथ अल्कोहल के साथ बहुत ज्यादा है। एक बार स्मोकिंग आप लोग टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन जो इस तरह का अल्कोहल का जब इशू आता है तो लोग उसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम। फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम में जब आप अल्कोहल कोई जो पर्सन ज्यादा लेता है तो वो डिप्रेशन में जाता है, अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है। ओवर ड्रिंकिंग कॉज, ओवर ड्रिंकिंग कॉज डिप्रेशन, अटेम्प्ट टू सुसाइड, अटेम्प्ट टू डिप्रेशन, अटेम्प्ट टू सुसाइड, ये हो गया डिप्रेशन, अटेम्प्ट टू सुसाइड, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, ओवर ड्रिंकिंग और प्रॉब्लम। तो इस तरह से इसमें फिजिकल ये प्रॉब्लम आता है। अब फिजिकल प्रॉब्लम, तो फिजिकल प्रॉब्लम में बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू होगा, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि जब ज्यादा अल्कोहल लेते हैं तो जब प्रॉपर टाइम पे आपका डाइट होना चाहिए वो डाइट का बैलेंस जो है वह बिगड़ जाता है, जिसके वजह से न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। और इसी से रिलेटेड जो है वो दो सिंड्रोम है आते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स में वर्निक्स एंड कोर्साकॉफ, इसमें दो आते हैं,
वर्निक्स एंड इसी से रिलेटेड हैं। फिर इससे बहुत सारे यानी ट्यूबरक्लोसिस, लीवर का प्रॉब्लम इन लीवर, तो अल्कोहलिक फैटी लीवर एक प्रॉब्लम है इसमें से, अल्कोहलिक फैटी लीवर। फिर हेपेटाइटिस होने के चांसेस जो है वह दुगने हो जाते हैं, यानी इसमें जो हेपेटाइटिस है वह होने का इसमें प्रॉब्लम जो है वह, तो उसको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं। फिर एक अल्कोहलिक सिरोसिस भी होता है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अल्कोहलिक सिरोसिस भी होते हैं इसमें, तो ये अल्कोहल से होने वाले जो है वह इशू है कि अल्कोहल से कौन कौन से इशू, तो इस तरह से अल्कोहल के इशू हैं। पैनक्रियाटाइटिस भी एक आता है, किडनी का भी प्रॉब्लम आ सकता है, रेस्पिरेटरी का भी प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसा कुछ ये नहीं है, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। पैनक्रियाटाइटिस, फिर उसके बाद इफेक्ट ऑन लंग्स, नहीं इफेक्ट ऑन पल्मोनरी, तो इस तरह से जो है वो बहुत सारे इफेक्ट जो है वो इसमें, या किडनी भी हम बोले थे, इफेक्ट ऑन किडनी, ये सब डायरेक्ट इफेक्ट होने वाले हैं। अब ये जो इस तरह का हमारा जो अल्कोहल से होने वाले जो इश्यू हैं, अब ये कहता है कि एक क्वेश्चन हमेशा आता है या रोड पे आपको लिखा रहता है कि डोंट मिक्स ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, क्यों ऐसा, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग को कभी मिक्स मत कीजिए। तो ड्रिंकिंग का मतलब अल्कोहल से रिलेटेड है, ये है ड्रिंकिंग का मतलब, वो नहीं कि आप दूध पी रहे हैं, ड्रिंकिंग का मतलब वो वाइन की बात हो रही है। तो यहां पर मान लीजिए क्वेश्चन क्यों रहता है, वाई डोंट मिक्स ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ऐसा क्यों, दो वजह है। जब हम अल्कोहल लेते हैं तो जो डिसीजन लेने का ड्यूरेशन जो होता है, क्योंकि ये क्या करता है हमारे नर्वस सिस्टम को थोड़ा स्लो कर देता है, तो जो डिसीजन मेकिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो बढ़ जाता है, टाइम ज्यादा लगता है डिसीजन लेने में। अब सामने से एकाएक गाड़ी आ रही है तो हमें अब तुरंत अब अपने कार को, अपने व्हीकल को साइड में यानी कि लेफ्ट या राइट इधर की ओर काट सकते हैं, उधर अब लेना है या कितने टाइम पहले लेना है, ये डिसीजन हम नहीं कर पाते हैं ड्यू टू द ये ड्रिंकिंग। तो एक तो रीजन ये होता है, यानी फिजिकल बैलेंस को गड़बड़ कर देता है। दूसरा, हम किसी चीज का डिसीजन कब लेते हैं, अपनी आंखों से देख के, तो विजन एंड उस विजन का रिप्लाई जो होता है, यानी ब्रेन से उसके बदले में जो रिप्लाई था कि ये देखने के बाद हमें क्या करना है, उस डिसीजन मेकिंग का ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है। तो जिसके वजह से जो प्रॉपर डिसीजन है प्रॉपर टाइम पे नहीं हो पाता है, तो इसीलिए कहता है कि कभी भी ड्रिंकिंग और ड्राइविंग को मिक्स नहीं करना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये दोनों इश्यू जो हैं, यानी एक्सीडेंट होने के चांसेस को बढ़ा देता है। तो एक्सीडेंट होने के चांसेस वो इसीलिए बढ़ता है कि अल्कोहल जो वो इफेक्ट करता है जजमेंट में, और अल्कोहल इफेक्ट करता है कोऑर्डिनेशन में। अल्कोहल
CONTROL, तो अल्कोहल इफेक्ट कंट्रोल ऑफ जजमेंट एंड अल्कोहल इफेक्ट कोऑर्डिनेशन अल्कोहल इफेक्ट कंट्रोल ऑफ जजमेंट और अल्कोहल इफेक्ट कोऑर्डिनेशन ये दो चीज को खत्म कर देता है तो जिसके वजह से क्या होंगे जिसके वजह से अभी हम क्या बताए थे कि जो आई से जो हमारा विजन और ब्लेरी के बाद जो डिसीजन मेकिंग जो ड्यूरेशन होता है वो बढ़ जाता है दैट इज डिसीजन मेकिंग ड्यूरेशन विल इंक्रीज डिसीजन मेकिंग ड्यूरेशन विल इंक्रीज दैट टेकन बाय After vision of eye. तो आंख से देखने के बाद जो ड्यूरेशन है वो क्या होता है वो बढ़ जाता है अब हमें कुछ वाइन यानी कि कुछ अलग अलग जो नाम अलग अलग वैरायटी और उसमें परसेंटेज जो होते हैं उसको देखना है जैसे देखिए बीवरेज सोर्स और अल्कोहल कंटेंट को बियर बार्ली और ग्राम से ये कितना 3-6% तक सेरी ग्रेप जूस ग्रेप जूस 16-22% सैंपैग्ने ग्रेप जूस 12-16% वाइन फर्मेंटेड जूस ऑफ एनी फ्रूट फ्रूट यूजुअली मेड फ्रॉम grapes and containing 10% to 15% उसके बाद देखिए रम तैयार होता है मोलासेस से जो 40-55% है गीन तैयार होता है बार्ली से इसमें भी 40-55% होता है विस्की भी बार्ली से और इसमें भी 40-55% होता है ब्रांडी जो है वह फ्रूट ऑफ पीचेज यानी जैसे
एप्पल और चेरी से इसमें 60-70% होता है अल्कोहल। फिर इसके बाद में है वोडका, ऊपर मैं लिखता हूं वोडका। वोडका में वोडका तैयार होता है सीरियल से और इसमें 40-55% और जापान ये तैयार होता है राइस से जिसमें 40-55% तक ये रहता है। तो इस तरह से ये पूरा हमारा अल्कोहल के वैरायटी यानी किसमें परसेंटेज के बेसिस पर अलग अलग नाम होते हैं, ये अलग अलग बीवरेज के नाम हैं। तो बियर, वाइन, विस्की ये सब बहुत प्रचलन में बहुत लोग जानते हैं, तो सब में थोड़े थोड़े परसेंटेज अलग हो जाते हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट है यानी बायोलॉजिकल पार्ट में हम लोग इस तरह से देखते हैं। मार्केट में कुछ और होता है, ठीक है, तो लोग उसको अलग अलग नाम से अलग अलग बातों से बात करते हैं, तो उस पर हमें फोकस नहीं करना है। हमारा सिलेबस बस इस पे है तो हमें इस पे फोकस करना है। ओके, तो अल्कोहल एंड टोबैको दोनों अब्यूज हम लोगों ने कम्प्लीट कर लिया है। अब इसकी आगे की बात को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।